देखिए जुसियाड़ा में खड़ा हूँ और मेरी ग्राउंड जीरो रिपोर्टर टीम आज कई जगह का दौरा कर रही है। मीट मास पर इस धार्मिक नगरी में लगे प्रतिबंध, ये जुसियाड़ा का पुल है, मुश्किल से 20 मीटर की दूरी पर है माँ गंगा भागीरथी, और मेरे दाई तरफ है ये मीट की दुकान समी मटन एंड चिकन शॉप, बिल्कुल फ्रंट पर है ये दुकान। और प्रशासन क्या कदम उठाया है, क्या प्रशासन करने वाला है पूछ के देखता हूँ, क्या लाइसेंस से चल रही है, मेडिकल चेक होता है, ये क्या है, सब जानने की प्रयास करे मेरी टीम आज। चलिए देखिए, जब मैं दुकान में पहुँचता हूँ तो यहाँ पर बैठे सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद शाकिब कुरैशी सर। कुरैशी साहब, कितने सालों से आप ये मीट की दुकान चला रहे? जुसियाड़ा में मुझे लगभग 37 साल हो गए सर। अच्छा, 37-38 जी सर। कुरैशी साहब ये बताइए, जब आप इतने पुराने हैं तो आप तो यही के हैं वन टाइप ऑफ, आप जानते हैं कि अभी वर्तमान में ये धार्मिक नगरी है, इसको लेकर के कहीं ना कहीं प्रशासन के द्वारा आप कुछ हिदायत दी गई इसके बारे में कि यहाँ मीट की दुकान न चले, जो सरकार का जीओ है 300 मीटर की दूरी पर चले, ऐसा कुछ? सर जी, जब तक हम जिला पंचायत में थे तब तक ये था कि भाई गंगा जी के तट से हमको 500 मीटर की दूरी पर भेजा जाए, लेकिन सर यहाँ पर तो चिन्याली सौर से लेकर के और हरसिल तक कोई ऐसी दूरी बनाई नहीं गई, क्योंकि ये तो चिन्याली सौर से लेकर के और हरसिल तक पूरी जो है गंगा जी के तट पे ही है पूरा शहर। तो कुरैशी साहब, आपको लगता नहीं है कि कहीं ना कहीं धार्मिक जगह है ये? तो साथ आप तो अब यही के हैं वन टाइप, 27 साल से चला रहे हैं। बिल्कुल सर, तो क्या इसमें हमने कभी ये नहीं सोचा कि मतलब हमारी वजह से लोगों की भावनाओं को कोई ठेस पहुंचे, समझे ना, इसीलिए दुकानों को पूरे प्रॉपर तरीके से हमने बना रखा है सर। राइट, तो क्या प्रशासन की ओर से कोई आपके पास आजकल में कोई निर्देश आया है, नगर पालिका का हो या किसी का? मेरे पास कोई निर्देश नहीं आया सर, लेकिन नगर पालिका वाले आए थे तो मैंने उनसे कहा था कि भाई हमारे पास हाई कोर्ट का जो है निषेधाज्ञा है इस टाइम। ये कब से स्टे सर लगा हुआ? 2018 से चला आ रहा है सर, और मैं आपको अभी दिखा भी देता हूँ सर। और ये देखिए, ये है सरकार के काम, प्रशासन काम, हाई कोर्ट का स्टे ऑर्डर लगा हुआ, और दूसरी तरफ हाई कोर्ट ही माँ गंगा भागीरथी के 300 मीटर दूरी में मीट खोलने की दुकान की बात करता है, और दूसरी तरफ, तो आखिर क्या जुडिशली ये सब चीज़ों पे कंसीडर नहीं करते होंगे? करते होंगे, बहरहाल ये पुराने भी हो सकते हैं, कहीं ऑर्डर पुराना तो नहीं खान साहब? नहीं नहीं सर। कब तक इसमें डेट है? अभी तो सर ये चला ही रहा है। ओके जी हाँ सर। तो सामाजिक के लोग, यदि मानाबाद नगर पालिका ये जो समाज के लोग हैं, अब क्या आप वो कॉपरेशन के लिए बोलते हैं तो क्या डिमांड रहेगी आपकी, किस टाइप की और कितनी दूरी पे आपको दुकान चाहिए होती? सर जी, हम तो पहले से ही प्रशासन से ये मांग करते आ रहे हैं कि हमको एक मार्केट बना के दे दीजिए, लेकिन सर पहले भी जिला पंचायत में बहुत बार कोशिश करी। जिला पंचायत है नगर पालिका? अब तो नगर पालिका है सर। राइट, पहले की बात, जब हम जिला पंचायत में थे, मेरे को 37 साल हो गए सर यहाँ पर ओके प्रॉपर काम करते हुए, और सर जब भी मैंने मतलब हमने कभी मांग रखी है दुकानों की या सलाटर हाउस की तो जहाँ पर भी इन्होंने बनाकर देने की कोशिश की वहीं पर सर ग्रामीणों का विरोध हुआ है ओके समझे, इसीलिए हमने अपनी अपनी दुकानें ले रखी है। तो ये दुकान किसके, दुकान वाले नहीं करते ऑब्जेक्शन? नहीं सर, दुकानें दे रखी हैं हमको तो। अच्छा, किराया पे ले रखी? देखिए, बहरहाल प्रशासन को चाहिए और सरकार को चाहिए कि व्यवस्था बनाए जो भी जियो है ताकि चले, जब कोर्ट जुडिशियली में लोग जाते हैं स्टे अगर ला जाता है कहीं ना कहीं पेच है। अच्छा कुरैश साहब, ये बताइए, धार्मिक जगह ये तो आप भी जानते हैं बहुत बेहतर से, तो क्या होना चाहिए? अच्छा, आपके पास क्या लाइसेंस वगैरह कौन जारी करता है इसके लिए? देखो, पहले जिला पंचायत जारी करता था सर, लेकिन जब से हम नगर पालिका के अंतर्गत आए हैं तो हमको नगर पालिका ने पहले कई बार उनको प्रार्थना पत्र दिए हैं, प्रार्थना पत्र मेरे पास। अच्छा, लाइसेंस नहीं देते अभी आप? अभी हमको, क्योंकि हम जब नगर पालिका के अस्तित्व में आए थे तो उसके बाद उससे पहले हमारे पास स्टे नजर आए, तो मेडिकल वगैरह चेकअप नहीं होते कोई, जैसे जो कोर्ट का रूल है कि मेडिकल चेक होगा, तो ये तो नहीं कि हर जगह बकरा नहीं कटेगा, आप बकरा काटते कहाँ हैं? यहाँ पर हम तो फिलहाल आजकल गंगोली में काट रहे हैं। अच्छा, कहीं आपका बुचड़ खाना दूर है? जी हाँ, जी हाँ, दूर है। तो वहाँ पर कभी चेकिंग नहीं होता, कोई इंस्पेक्टर आए या कोई पुलिस, ये सब प्रक्रिया पुलिस को नहीं है सर, ये तो पशुपालन। अच्छा, बहरहाल नगर पालिका ने आपको परमिशन भी नहीं दी है? परमिशन मैंने एप्लीकेशन में बताया। अच्छा, आपने एप्लीकेशन दे रखी है, तो इसका मतलब आपको तो यहाँ पर पुलिस विभाग के लोग, प्रशासन के लोग, नगर पालिका तंग करते रहते होंगे, ऐसे नहीं होते? नहीं, ऐसा तंग नहीं किया जाता। बहरहाल जब मैं जाने का प्रयास कर रहा हूँ तो कुरैशी साहब बोल रहे हैं कि इनको तंग तो नहीं किया जाता है, और फिर भी यदि बिना लाइसेंस की दुकानें चलेंगी तो कहीं ना कहीं शायद समस्या। डॉक्टर चेक हो? हाँ, तो कैसे, कौन चेक करता है इसको? आप बोले पशुपालन विभाग का है सर ये। अच्छा, वो आते चेकअप में कभी? जी हाँ सर।
कब आते हो, क्या सिस्टम है उनका चेक करने का? अभी तो इन्होंने कोई सिस्टम बनाने रखा सर, लेकिन okay. जब तक नगर पालिका उनको आदेश नहीं करेगी कोई। ओके okay. अच्छा वो चाह रहे कि आप नगर पालिका से परमिशन लेके आइए। बहरहाल निकल के आ रही बात कि नगर पालिका भी कहीं ना कहीं अपनी दोगली भूमिका में नजर आता है और प्रशासन भी नजर आता है। एक तरफ परमिशन नहीं मिलती है, दूसरी तरफ कोर्ट का स्टे ऑर्डर आ जाता है। मीट दुकान भी चलती है मुश्किल से, शायद 30 मीटर की दूरी होगी गंगा भागीरथी की। खान साहब आने वाले टाइम यदि आपको बोला जाए कि 5 किलोमीटर की दूरी पे आपको दुकान मिलेगी तो क्या आप जाएंगे क्या? तो सर अगर प्रशासन हमको कोई व्यवस्था बना करके देगी तो हम कोई इंकार नहीं है सर। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। कुरैशी साहब बहुत पुराने हैं, कई सालों से चलाते हैं, कॉपरेशन के लिए पूरे तैयार हैं। कहीं ना कहीं शायद कहाँ है पिंच, और दुकानों से पूछ के देखते जाने का प्रयास करते हैं क्या है इस मीट और मास जो सौम्य काशी नगरी, विश्वनाथ नगरी और धार्मिक नगरी उद्गम क्षेत्र में जो यानी माँ गंगा का उद्गम स्रोत जिला है मुख्यालय, क्या कभी कम हो पाएगी, कोई व्यवस्था बन पाएगी ताकि बार बार इसको लेकर के कहीं धरना ना हो, कहीं किसी टाइप का दबाव ना बढ़े, शायद इसके लिए व्यवस्था बनानी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।